अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जाति संगठनों का संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में शुक्रवार को नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में भूतपूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम के 111वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया। जयंती समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व जिला विकास अधिकारी हरीश चंद्र प्रसाद ने बाबू जगजीवन राम के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दिया। इस अवसर पर बाबू जगजीवन राम के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला गया। जयंती समारोह में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जाति संगठनों का संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. लाल चंद्र प्रसाद जाटो, तीर्थ राज प्रसाद, जीत नारायण प्रसाद, राम सबल राम सेवक, ओम नारायण सहित मोर्चा के अन्य सदस्य मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए पूर्व जिला विकास अधिकारी हरीश चंद्र प्रसाद ने कहा, खरीद लेने के बाद तो हमारे वो मसीहा कहे जाते हैं, अरे अभी एक सरदार आता है, सरदार कहीं दोस्त दुनिया सारे सरदार एक हो जाते हैं, उनके कहीं फिलन होता है, कहा कहा लोगों ने हमारे जाते हैं कहा भाई क्या नहीं हम उनका हक पड़ता तुम्हारी आवाज़ उठाएँ, वो कहते हैं कि नहीं हम पुरानी कोर्ट में चुके आप लोगों को मुझे ने कहा कि आप जो है कांग्रेस तड़प हो जाइए हम जो है आपको मंत्री बना देंगे। उन्होंने कहा नहीं मैं बिल्कुल नहीं हम फलूंगा। वो जब कांग्रेस में कहा गया बाबा साहब के विचारों के लिए जो है प्रगतिक रूप में खड़ा कर दिया जाता था, लेकिन ऐसा नहीं बाबा साहब ने जो खाका दिया था नक्शा बाबू ने जहाँ तक पूरी तरह नक्शा हमको भरा नहीं गया है, अब उस नक्शे को कारवा को हमारे आप की सबसे बड़ी जरूरत है कि लेकर चलिए विशेष जो कि तर्क में विश्वास करते हैं, आज वो तक किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करते ये तर्क का कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सामाजिक न्याय एवं समता दिवस के अवसर पर मनाया जा रहा है। बाबूजी एक बहुत कर्मठ ईमानदार और न्यायी व्यक्ति थे, आज इनके व्यक्तित्व कृतित्व पर प्रकाश डाला गया और आगे भी इनके व्यक्तित्व कृतित्व पर प्रकाश डाला जाएगा। ये जात विहीन समाज की रचना करना चाहते थे जो आज भी अधूरा है, आगे चल करके इस वैज्ञानिक विकास के दौर में मुझे लगता है कि जात विहीन समाज का निर्माण तो नहीं हो पाएगा किंतु कुछ शिथिलता इसमें ज़रूर आएगी। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए बाबूजी की एक पुस्तक है कास्ट इन इंडिया, जिसमें बाबूजी ने जाति और अस्पृश्यता पर प्रकाश डाला है जो इस समाज के लिए एक कलंक और बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है।